सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोग को जार ऐप से पैसे कमाने के बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली गाइस, जार एक गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर एंड उसके अलावा आप लोग को 2 से 3 और तरीके मिल जाते हैं जहाँ से आप लोग जार ऐप के थ्रू पैसे कमा सकते हो। अब इस ऐप को करीबन मैं 1 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करी है, पैसे भी कमाए हैं एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग जार ऐप से पैसे कमा सकते हो, डेली का डेली 300, 400, 1000 रुपए तक कैसे कमा सकते हो। तो अगर आप लोग जार ऐप का यूज कर पैसे कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक वॉच करना एंड एंड में मैं आप लोग को इसके जो प्रोस एंड कॉन्स होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, मतलब कि इस ऐप को आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए ये भी मैं आप लोग को एंड में बता दूंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल आप लोग एंड तक वॉच करो एंड आप लोगों से बस एक छोटी सी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो श्योर यार इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी ऑल पे हिट कर लेना, क्योंकि इन फ्यूचर में आप सभी लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पे ऐसी ही वीडियोस मिलने वाली हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ से हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी लोगों को जार ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग इस ऐप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। नॉर्मली डाउनलोड करने के बाद आप लोग को ओपन करना है। अगर आप लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है तो आप लोग को यहाँ पर रजिस्टर करना है, मतलब अपने अकाउंट को ओपन करना है। तो देखो, मैंने रजिस्टर करके रखा हुआ है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। नॉर्मली आप लोग यहाँ पर साइन अप कर लोगे। अब देखो, जैसे ही आप लोग अंदर आओगे कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आता है। अब ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे तो मैं हर एक ऑप्शन को भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पैसे कैसे कमाने हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जार एक गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है एंड उसके अलावा मैंने ये भी बोला था कि यहाँ पर 2 से 3 और मेथड मिल जाते हैं जहाँ से आप लोग पैसे कमा सकते हो। तो मैंने जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बोला था उसका मतलब क्या है ये बताता हूँ। तो बेसिकली गाइस, आप लोगों ने अपने घर में रिलेटिव से ये सुना होगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो, गोल्ड का प्राइस हमेशा बढ़ता रहता है। या आपको पता भी होगा कि गोल्ड का प्राइस हमेशा बढ़ता ही रहता है लगातार। ठीक है, अगर आप आज सुन रहे हो कि आज 5,000 रुपये का, मतलब कभी आपने सुना होगा कि भाई 10,000 रुपये का 1 तोला सोना है, आज के टाइम पर 50,000 रुपये का 1 तोला सोना है, मतलब 50,000 रुपये का 10 ग्राम सोना है। तो ये प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट हुआ करता है, कम ज़्यादा हुआ करता है। लेकिन अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में देखें तो गोल्ड का प्राइस हमेशा बढ़ता रहता है। मतलब अगर हम लोगों ने आज 10,000 रुपये डाले हैं तो वो 1-2-3 साल बाद वो 20,000-25,000 ऐसे हमारे रुपए बन जाएंगे। अगर हम लोग ऑन एन एवरेज देखें तो गोल्ड हमको 8-10% का रिटर्न एवरेज, मतलब इतना निकाल के हर साल दे देता है। एंड हमेशा हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो हमेशा हम लोग प्रॉफिट में ही रहते हैं। अब ये ऐप यही करता है कि अगर आपके पास रुपए है तो ये ऐप कहता है कि आप हमको रुपए दो, हमारा जो ऐप है ये गोल्ड है एक तरीके से, हम आपको गोल्ड देंगे। यहाँ पर गोल्ड आप लोग का लिख के आ जाएगा कि आपने इतना गोल्ड ओन किया है। मैंने अभी करीबन 0.0018 ग्राम यहाँ पर गोल्ड मतलब परचेज किया है, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, योर ओन यू ओन लिखा हुआ है। तो आप लोग भी यहाँ पर गोल्ड में इन्वेस्ट करो। यहाँ पर आप लोग को ऊपर वैल्यू दिख जाएगी कि 1 ग्राम की वैल्यू भी कितने रुपए की है। तो अभी 1 ग्राम जो है वो 5,154 रुपये, मतलब 5,154.10 रुपीज पर ग्राम, 1 ग्राम की वैल्यू उतनी है। तो ये बोलते हैं कि आप हमारे पास इन्वेस्ट करो, गोल्ड का प्राइस बढ़ता रहेगा एंड आपका पैसा भी यहाँ पर बढ़ता रहेगा एंड जब आप लोग चाहो तो यहाँ से हमारे पैसे को निकाल सकते हो। फिलहाल इसको हम लोग डिजिटल गोल्ड बोलते हैं, आप लोग यहाँ से डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर पैसे कमा सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम ट्रस्ट कैसे करें कि यहाँ पर हम लोग को गोल्ड मिल ही जाएगा, हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो ये हमारा गोल्ड ही रहेगा, क्या पता वो ऐप वाले फ्रॉड कर दें। तो यहाँ पर आप लोग को एक और ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपने यहाँ पर करीबन आधा ग्राम, मतलब करीबन 2,500 से 3,000 रुपये का गोल्ड खरीदा है तो आप लोग उसको घर भी मंगा सकते हो। लेकिन ऐप के अंदर रहकर कैसे पैसे कमाने हैं वो बताता हूँ मैं आप लोग को। अब देखो, यहाँ पर आप लोग के सामने स्पेंड्स डिटेक्टेड लिख के आ रहा है 317 रुपये। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप लोग के सामने योर ओन लिखा है, जो मैंने अभी ओन किया है, जो मैंने गोल्ड परचेज किया है वो यहाँ पर है। ये करीबन 10-20 रुपये का गोल्ड है जो मैंने अभी परचेज किया हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस ऐप के अंदर आप लोग को जो स्पेंड्स डिटेक्टेड है ना, ये ऑटोमेटिक काउंट हो जाता है। ठीक है, ये ट्रैक कर लेते हैं कि आपने आज कितना पैसा खर्च किया है। तो मैंने करीबन 317 रुपये आज एक दिन के अंदर खर्चा करें हो, तो ये हम इनका कहने का मतलब है कि आप 317 रुपये आपने खर्च करें, वो 317 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट करो तो आपका पैसा बढ़ेगा एंड आपको उसमें रिटर्न मिलेगा। इनके कहने का मतलब ये, मतलब ये मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट नहीं, मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, ये ऐप वाले बता रहे हैं कि आपने अभी तक इतना स्पेंड किया है एंड आप इतने अमाउंट को इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो मैं अगर इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर UPI आ जाएगी। यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर पेमेंट का मेथड खोल
जाएगा, यहाँ पर मैं गूगल पे से, पेटीएम से, जो जो भी पेमेंट मेथड आपके पास फोन में पड़े होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, एंड उनके थ्रू पेमेंट करके यहाँ पर आप लोग ऐड करके गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप लोग ऐड करोगे, मान लीजिए कि आपने 10 ही रुपये ऐड करे, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, आप ले मेरा गोल्ड देखा ही है कि मेरे पास कितना गोल्ड है। अभी मैं और थोड़ा सा अमाउंट और इन्वेस्ट करके आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं करीबन 100 रुपये के आसपास, 100-150 रुपये के आसपास यहाँ पर आप लोग को इन्वेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर क्या करता हूँ, 50-25% में अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन्वेस्ट 10 रुपीज़ पे क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पर जो 10-20 रुपये मेरा यहाँ पे इन्वेस्ट हो, 10 रुपये मैं कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि गोल्ड यहाँ पर एक्चुअली कैसे परचेज होता है। मैंने पेटीएम पर क्लिक किया, मैं पेटीएम के अंदर आ चुका हूँ, यहाँ पर ज़ार लिख के आ चुका है, मैंने पेमेंट यहाँ पर किया, पिन अपनी यहाँ पर डाल दी, एंड जैसे मेरा यहाँ पे पेमेंट कंफर्म होगा, इंस्टेंट इतने रुपए का मेरा गोल्ड जो रहेगा वो वहाँ पर परचेज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लिखकर आ चुका है, ऑर्डर सक्सेसफुल, 10 रुपीज़ इन्वेस्टेड इन गोल्ड एज गोल्ड, ठीक है। तो हम लोग उसको कट करते हैं। अब हम लोग एक बार रिफ्रेश करेंगे, अभी 0.0018 ग्राम था, एंड 36 ग्राम यहाँ पर, 0.0036 ग्राम यहाँ पर हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोग को इन्वेस्ट करना है। अब देखो यार, यहाँ पर जैसे ही जैसे हमारा गोल्ड का प्राइस बढ़ता रहेगा, वैसे हमारा ये गोल्ड बढ़ता रहेगा, वैसे हमारा यहाँ पर अमाउंट बढ़ता रहेगा। हम लोग उसको आगे चल के विड्रॉ कर सकते हैं। कैसे विड्रॉ करेंगे और कौन से अर्निंग के सोर्स हैं वो हम लोग आगे देखते हैं। तो देखो इन्वेस्टमेंट में आप लोग को एक और अदर ऑप्शन मिल जाता है, जो कि है डेली अमाउंट का। अब डेली अमाउंट के अंदर कैसे आप लोग एक पर्टिकुलर, मतलब एक करेक्ट एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पर सेट कर सकते हो, जो अमाउंट डेली आप लोग के पास, मतलब आपको आप लोग के वॉलेट से कटता रहेगा, एंड वो यहाँ पर ऐड होता रहेगा, एंड आपका गोल्ड में इन्वेस्ट होता रहेगा। आप लोग सोच रहे हो कि मैं 3,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करूं, लेकिन आप लोग पिगी बैंक में नहीं डाल पा रहे हो या कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग उस अमाउंट को यहाँ पर सेट अमाउंट पर क्लिक करने के बाद, सेट करने के बाद कर सकते हो, एंड नॉर्मली वो पैसा कट होता रहेगा। कट होने के लिए आप लोग को ऑटो पे सेलेक्ट करना है, मतलब सेटअप करना है। ये 100% सिक्योर है, सपोर्ट करता है 13+ बैंक्स को, एंड यहाँ पर स्पेयर चेंज ऑटो इन्वेस्टेड भी है। अब देखो यहाँ पर नॉर्मली क्या है, आप लोग को एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा ऑटो सेटअप में, एंड उस फॉर्म में गाइस ये होगा कि एक पर्टिकुलर डेट आप सेलेक्ट करोगे, उस डेट को आप पर्टिकुलर अमाउंट सेलेक्ट करोगे, मान लीजिए 5,000 किया या 500 किया या 50 किया, उस पर्टिकुलर डेट को हर मंथ में उस पर्टिकुलर डेट को उतना अमाउंट, मान लीजिए 500 किया है तो 500 रुपये आपके बैंक अकाउंट से कट के यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और वो गोल्ड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो कुछ यहाँ पर ये होता है। अब हम लोग और नीचे आते हैं। अब देखो यहाँ पर आप लोगों के सामने नीचे एक स्पिन का भी ऑप्शन दिया जाता है। गाइस यहाँ पर डेली आप लोग को स्पिन्स मिलते हैं, जितनी बार आप लोग डिपॉजिट करोगे उतने स्पिन्स मिलते हैं, एंड उस स्पिन्स को गाइस यहाँ पर आप लोग करके भी पैसे कमा सकते हो। ये हमारा सेकंड अर्निंग सोर्स है। अब देखो जैसे मैंने भी यहाँ पर एक बार डिपॉजिट किया तो मुझको एक यहाँ पर स्पिन मिला है। अब स्पिन में गाइस मुझको 0 रुपीज़, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, ठीक है, 3 रुपीज़, 4 रुपीज़, 5 रुपीज़, इस समय से कुछ भी मिल सकता है, एंड कंफर्म नहीं कि मुझको रुपए ही मिलेंगे, 0 रुपीज़ भी मिल सकते हैं। पिछली बार मुझको आई थिंक 0 रुपीज़ ही मिले थे, इस बार देखते हैं क्या मिलता है। स्पिन करते हैं, हम लोग देखते हैं। तो इस बार गाइस हमको यहाँ पर 3 रुपीज़ मिल चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। मैं होम पेज पर आ जाता हूँ। अब देखो जो मेरा ये अमाउंट है ना, जो मेरा ये 3 रुपये थे ना, ये गोल्ड में ऑटोमेटिक यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ी देर बाद जो मैंने स्पिन किया है, ये अमाउंट मेरा गोल्ड में इन्वेस्ट हो जाएगा या फिर मेरे वॉलेट में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यार इस तरीके से आप लोग सेकंड सोर्स, मतलब स्पिन करके भी यहाँ से पैसे कमा सकते हो। अब देखो यहाँ पर आप लोग के सामने और ऑप्शंस मिलते हैं, एंड और पैसे कमाने का ऑप्शन मिलता है, वो क्या है वो बताता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर आप लोगों को एक डिस्कवर का ऑप्शन मिलता है। अब डिस्कवर पे गाइस अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर आप लोग के सामने, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो वो सब यहाँ पर आप लोग सीख सकते हो। ट्रांजेक्शन पर आके आप लोग अपने ट्रांजेक्शन देख सकते हो। जैसे कि देख सकते हो कि कल के दिन 12 तारीख को मैंने 10 रुपये यहाँ पर डिपॉजिट करे थे, 13 तारीख को मैंने 10 रुपये अभी आप लोग के सामने यहाँ पर डिपॉजिट करे हैं, इन्वेस्ट करे हैं। अब मैं यहाँ पर अगर लॉकर पे आता हूँ, लॉकर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर सबसे ऊपर तो सबसे पहले आप लोग को आपका ओन गोल्ड दिखता है जो आपने ओन किया है। उसके बाद यहाँ पे माई जार विनिंग्स आता है, सेल ऑप्शन, सेल हिस्ट्री आता है। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ इन सब का मतलब क्या है। तो भाई देखो यहाँ पर आप लोग को एक रेफरल सिस्टम मिल जाता है, जिस रेफरल सिस्टम के थ्रू 500 रुपये तक आप अर्न कर सकते हो। अब उसके लिए क्या करना है, आप लोग को नॉर्मली जो ये सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये रेफर एंड अर्न का ऑप्शन दिया गया, इसके ऊपर आना है। अब यहाँ पर आप लोग के सामने लिखा है रेफर गेट फ्री गोल्ड अप टू 500 रुपीज़। तो ये लिखा है लेकिन एग्जैक्टली इतना नहीं है, आप लोग को 20 रुपये तक एक रेफर का मिलता है अगर आपने अपने फ्रेंड को रेफर किया है, उसने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है तो। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपका फ्रेंड आपका ये जो रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड को जरूर अप्लाई करे, एंड अगर वो अप्लाई करता है तो उसको 10 रुपये का गोल्ड और मिलेगा। आप लोग अगर साइनअप करते हो तो मेरे रेफरल कोड को यूज़ कर सकते हो, आप लोग को भी 10 रुपये का एक्स्ट्रा गोल्ड मिल जाएगा। तो नॉर्मली गाइस आप लोग को यहाँ पर रेफर करके ऑप्शन मिलता है, रेफर करके भी आप लोग डेली का डेली 100, 200, 500 रुपये तक गोल्ड अर्न कर सकते हो, एंड उस गोल्ड को विड्रॉ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग को एक और मेथड मिल जाता है जिसके थ्रू हम लोग इस ऐप से पैसे कमा सकते हैं।
तो उस मेथड को अभी हम लोग आगे देखेंगे। पहले अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने गोल्ड को यहाँ से विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, मतलब निकाल कर बैंक में कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग को नॉर्मली इस लॉकर के ही ऑप्शन पर आना है जो आप लोग को नीचे बॉटम में दिख रहा है। आने के बाद आप लोग को इस सेल ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे दो ऑप्शंस आएंगे यहाँ पर, एक पहला गोल्ड डिलीवरी का रहेगा, दूसरा कैश इन बैंक का रहेगा। दो ऑप्शंस मिलेंगे। गोल्ड डिलीवरी का मतलब है कि यहाँ से आप लोग गोल्ड निकाल कर अपने घर पर मंगा सकते हो, मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोग गोल्ड अपने घर पर भी मंगा सकते हो, बस यहाँ पे कुछ एक मिनिमम लिमिट है जो मैं भी आगे बता रहा हूँ। एंड कैश इन बैंक, कैश इन बैंक का मतलब है कि गोल्ड को सेल कर पैसा अपने बैंक में ले सकते हो। अब गोल्ड डिलीवरी के अंदर अगर आपके पास करीबन मिनिमम 0.5 ग्राम गोल्ड है तो आप लोग घर पर मंगा सकते हो, मतलब कि अगर आपने करीबन 2600 रुपए के आसपास यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो यहाँ पर आप लोग के घर पे डिलीवरी हो जाएगी। अदरवाइज आप लोग को अपने बैंक में ही लेना है, तो ज़्यादातर लोग वैसे भी बैंक में ही लेंगे। तो बैंक में लेने के लिए आप लोग को नॉर्मली कैश इन बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक KYC का ऑप्शन पेज खुल के आएगा, तो एक ही बार KYC होती है, तो इस KYC को आप लोग को नॉर्मली यहाँ पर कंप्लीट करना है। एंड यहाँ पर आप लोग को अपनी मतलब जो पैन कार्ड होती है उसकी फोटो डालनी है। अदरवाइज एंटर पैन कार्ड डिटेल्स मैनुअली, इस पर क्लिक करके मैनुअली अपनी कार्ड पैन कार्ड डिटेल्स को डालना है। एंड ये जो होता है ना, आधे एक घंटे के अंदर आपकी KYC वेरीफाई हो जाती है, उसके बाद आप लोग अपने बैंक अकाउंट में रुपए ले सकते हो। आप लोग एक ग्राम को भी मतलब 0.001 ग्राम भी गोल्ड सेल कर सकते हो, 5 रुपए का भी गोल्ड सेल कर पैसे ले सकते हो बैंक में, 10 रुपए का भी, 20 रुपए का भी, 50 रुपए का भी, जैसा आपका मन उतना गोल्ड आप लोग यहाँ पे परचेज कर सेल कर बैंक में ले सकते हो। अब देखो यार, यहाँ पर इस तरीके से आप लोग को विड्रॉ करना है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट मेथड जिससे हम लोग पैसे कमा सकते हैं। और तो गाइस देखो, इसके लिए आप लोग को नॉर्मली सेटिंग के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे, नीचे आना है स्क्रॉल करके, यहाँ पर एक राउंड ऑफ का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आना है। अब इसके थ्रू मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि आपने करीबन 352 रुपए या 372 मतलब 372 रुपीज आपने इन्वेस्ट करे, तो यहाँ पर एक फीचर आप लोग को या कहें एक तरीके से आपको प्रो मतलब एक तरीके से आप लोग को फायदा मिल जाता है कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर करीबन 372 करे या 371 करे तो वो राउंड ऑफ होके आपका अमाउंट बढ़कर राउंड ऑफ के अमाउंट में हो जाता है। मतलब एक तरीके से अगर आपने 452 रुपए मतलब 452 रुपीज इन्वेस्ट करें, मतलब ऐड करें हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो क्या होगा कि आपका ये राउंड ऑफ होके 460 हो जाएगा। 8 रुपए कंपनी अपनी तरफ से आपको दे देगी, मतलब 8 रुपए का आपका यहाँ पर इंस्टेंट प्रॉफिट हो गया। तो ये भी एक पैसे कमाने का ही तरीका है। ये आप लोग इसके एग्जांपल के थ्रू जो यहाँ पर आ रहा है ना, इसके एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझ जाओगे, इसलिए यहाँ से आप लोग समझ जाओगे। तो बेसिकली गाइस यही होता है, ठीक है। अब ये नियरेस्ट गाइस राउंड ऑफ आपका नियरेस्ट 5 में होता है, नियरेस्ट 10 में होता है, ठीक है। कोई 50 या 100 में नहीं होगा कि ये सोचो कि मैंने 50 मतलब 51 कर दिया है तो मेरा 100 हो जाएगा, तो इतना नहीं होगा। 51 ऐड किया है तो आपका ये 55 या 60 का हो जाएगा, जिसमें आपको कुछ 4-5-10-15 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट से डेली का डेली 100-200-300 तक कमा सकते हो। आप लोग यहाँ पर राउंड ऑफ का अमाउंट देखो 10-20 रुपए यहाँ से कमा सकते हो, 10-20 रुपए स्पिन से कमा सकते हो। एंड उसके अलावा आप लोग यहाँ पर रेफर कर 1000-2000 रुपए जितनी बड़ी आपका स्ट्रीम हो उतना आप लोग रेफर करके पैसे कमा सकते हो। अब अगर हम लोग यहाँ पर ये सोचें कि हम लोग डेली का डेली 2000-3000-1000 रुपए कमाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये बेसिकली आपके पैसे को ग्रो करने के लिए है, तो पैसे को अगर ग्रो करना है तो यहाँ पर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यार कुछ इस तरीके से पैसे कमाने हैं। अब हम लोग जरा देखते हैं कि क्या यार इस ऐप को आपको यूज़ करना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने प्रोस बहुत बता दिए हैं, पैसे कैसे कमाने हैं ये भी बता दिए हैं। अब ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना सही है कि नहीं है, क्योंकि हम लोग अपना रियल अमाउंट डाल रहे हैं, मेहनत की कमाई यहाँ पर डाल रहे हैं, एंड एप्लीकेशन वाले भाग गए या पैसा डूब गया तो क्या होगा, जैसे कि कुछ दिन पहले हुआ था, कुछ ऐप्स ने ऐसा किया था। तो देखो यहाँ पर मैंने रिसर्च करी करीबन 3 दिनों तक इस ऐप के बारे में, तो मैंने गूगल पर पहले रिसर्च करी, साइट्स के अंदर ब्लॉग्स पढ़े, पोस्ट पढ़ी, तो उसके अंदर तो इसके मतलब एडवांटेज लिखे थे। एक पोस्ट के अंदर मैंने डिसएडवांटेज देखा था बस, मतलब कोई भी ऐसा वो नहीं था, मैंने बाकी जगह इसके एडवांटेज ही देखे थे। मैंने कई बुराइयां नहीं सुनी इसकी कि भाई ये ऐप ये करता है ये करता है। वेरीफाई की बात करें तो जो एक गोल्ड को हैंडल करता है ना, जो गवर्नमेंट गोल्ड को हैंडल करती है उसके थ्रू ये अप्रूव है, तो मतलब वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, अप्रूव है तो ये फ्रॉड कर नहीं सकती लोगों के साथ। ये गवर्नमेंट के थ्रू हैंडल मतलब गवर्नमेंट की नज़र इसके ऊपर है, तो ये कुछ फ्रॉड तो कर नहीं सकती। अब उसके बाद अगर मैंने मुझको तसल्ली नहीं मिली तो मैंने और रिसर्च करी यूट्यूब पर, तो यार मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, मतलब मैंने इस ऐप के कमेंट्स पढ़े कुछ वीडियोस में जाके, तो वहाँ पर लोगों का लिखा था कि भाई मैंने 15 दिन से पैसा नहीं आया, 10 दिन से पैसा नहीं आया, KYC नहीं हुई, फेक ऐप है। तो जब मैंने ऐसे कमेंट्स पढ़े तो फिर यार थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ, क्रिएट हुआ, तो यार फिर मैंने अपना एक नेक्स्ट अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है, दूसरा जो ये नहीं उससे हटके अकाउंट, उसके अंदर मैंने 100-200 का विड्रॉ किया, KYC करी, पैसा मुझको उसका मिल गया, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर दिक्कतें होती हैं। अब 100-200 विड्रॉ करने से, 1000-2000 विड्रॉ करने से कुछ नहीं होता,
कुछ प्रॉब्लम्स आई थिंक यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं लोगों के साथ, तो थोड़ा बच के सावधान होकर यहाँ पर ऐप को यूज़ करना है। मैं मेरी तरफ से क्या रहेगा कि अगर आप लोग यूज़ करना चाहो तो करो, लेकिन ज़्यादा रुपए यहाँ पर मत इन्वेस्ट करना, ठीक है, कम ही इन्वेस्ट करना। जब यूज़ करते रहो, ट्रस्ट हो जाए तरीके से, तब यूज़ करना है। एंड आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं 15-20 दिन यूज़ करने के बाद ऐप का रिव्यू लेकर आऊँगा, बताऊँगा कि क्या पेमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी जो ट्रूथ था वो मैंने आपको बता दी, जो सच्चाई थी मैंने यहाँ पर बता दी। पैसे कमा सकते हो, लेकिन हाँ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स मैंने किसी से सुनी नहीं, लेकिन मैंने जो रिसर्च करी उस हिसाब से मुझको दिखी तो मैंने बता दी। बाकी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो यार मेरा काम यही है कि आपको एक अच्छी वीडियो प्रोवाइड करना, तो अच्छी लगी हो तो जरूर यार लाइक कर देना। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑल पे हिट कर लेना, क्योंकि इन फ्यूचर में आप सभी लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही वीडियोस मिलने वाली हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।